बढ़िया कैमरा आता होगा। क्या हाल चाल है आप सभी के? ये आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। ये मेरा पहला व्लॉग है, तो मेरे को इतना कुछ पता नहीं है कि क्या कैसे क्या बोलना है। और ये मैंने आज अमेज़न से कुछ अपने लिए एक नया ऑर्डर बनाया। अब मैं अपना एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने वाला हूँ। आप सभी इसी चैनल के नीचे लिंक जो है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए लाल कलर के बटन को। और आज मैंने अमेज़न से कुछ चीज़ मंगाई है, तो अगर यार मेरे से कुछ गलती हो रही है तो मेरे को माफ़ कर देना। बाकी मैं इसको खोल के दिखाता हूँ कि क्या चीज़ है ये, ठीक है? ये देखिए, ये है SJ Cam 6 Legend। ये मेरा नया माउंट, ये मेरा नया कैमरा है और बहुत ही बढ़िया है। 2 एक्शन 2 कैमरा 2 टच स्क्रीन है, जायरो है, 4K एडिशन वीडियो बनाता है ये। और इसके फीचर्स आइए हम पढ़ लेते हैं। ये रहा इसकी पैकेजिंग, भी बहुत अच्छी पैकेजिंग है इसकी। पैकेजिंग देखी जाए तो इसकी बहुत अच्छी पैकेजिंग है। और इसके अंदर पूरा सबसे मेन चीज़ इसके अंदर आप एक्सटर्नल माइक सपोर्ट करता है ये कैमरा। सबसे बढ़िया इसके अंदर एक्सटर्नल माइक सपोर्ट करता है, सब कुछ है इसके अंदर। आइए इसे खोल के देखते हैं कि क्या चीज़ है इसके अंदर, क्या क्या चीज़ें खासियत है इसकी। सो ये SJ Cam 6 Legend, ये रहा कैमरा। सो ये है छोटा सा कैमरा। अब इसको साइड में रख देते हैं, इसके बाद इसके देखते हैं इसके अंदर हमारे को क्या क्या मिला है। ओह, ये इसका माउंट, ये इसकी डाटा केबल, ये कैमरे का लेंस, कुछ और माउंट्स, कैमरा चार्ट, ये थोड़े से, और ये है 3M की टेप ताकि माउंट में कैमरा कहीं भी आ फिर आपको करने के लिए। ये स्टैंड, ये कुछ और माउंट्स हैं, ये भी माउंट है, ये भी माउंट्स, ये कैमरा वाटरप्रूफ केस लगाने के लिए, ये भी माउंट्स। एंड देन ये SJ Cam की मैनुअल है पूरी। इससे हम अपने फ़ोन के अंदर ये ऐप डाउनलोड करके हम इससे अपना क्या कहते हैं अपने इसी कैमरे को पूरा अपने फ़ोन से ऑपरेट कर सकते हैं। ये ऐसी चीज़ है, ठीक है? और बाकी ये मैं पढ़ लूँगा, सम स्टिकर्स, SJ Cam ने हमारे को कुछ स्टिकर्स दिए अपनी बाइक पे चिपकाएंगे ये साफ़ करने के लिए। बाकी आइए चेक करते हैं SJ Cam को, इसको खोलते हैं हम पहले स्टार्टिंग में। अच्छा, इस पर बहुत बबल्स। सो इसको यहाँ से ऐसे यूँ करके ऐसे, देन यूँ ओपन, फर्स्ट टाइम ओपन कर रहा हूँ, मेरे को पता भी नहीं है कि कैसे ओपन करते हैं। हम इसको ओपन करते हैं अब। ये हमने इसको ऐसे ओपन कर लिया और ये हमारा नया SJ Cam। देखिए, बहुत ही वेट तो है थोड़ा सा, लेकिन बहुत लाइट वेट है। ये इसकी टच स्क्रीन है दूसरी, इसके ऊपर अपना एक थोड़ी सी पन्नी लगी हुई है, ये बटन चालू करने का, ये सेटिंग का, ये रहा। और यहाँ पे हम USB लगा सकते हैं, कार्डिडर लगा सकते हैं और इसको हम फिट कर सकते हैं इस चीज़ में। और ये इसकी बैटरी है यहाँ से, इसके अंदर बैटरी टोटली इसके पास अंदर है ऑलरेडी बैटरी। सो अब इसको हम यहाँ से बंद करते हैं और इसको ज़रा चालू करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए, चल पड़ा SJ Cam हमारा। सेटिंग है इसमें, टच स्क्रीन है, अब रिजोल्यूशन 4K 180p, रिकॉर्डिंग आपने कैसे करनी। तो ये इसका सारा, ये जायरो सेंसर, ये ऑडियो है चेक करने के लिए, ये वॉल्यूम का बटन है इसका वॉल्यूम, ये टाइम लैप्स है, वीडियो फाइल फॉर्मेट है, बीटा रेट, डबल फाइल, शार्प वायलेंस, कलर है, मार्किंग है। बाकी और सेटिंग का आप यहाँ से इसका कर सकते हैं, कैसे कैसे क्या चीज़ सेटिंग करनी है टोटली इसकी। फास्ट रिकॉर्ड, अगर हम जस्ट अभी इसके अंदर मेमोरी कार्ड हमने लगाया नहीं है, यहाँ से इसका मेमोरी कार्ड लगेगा। और ये इसका USB चार्जिंग है, सबसे बड़ी बात इसके अंदर USB चार्जिंग है। और ये इसकी यहाँ से दूसरी स्क्रीन, ये चालू हो गया कैमरा, यहाँ से इसकी दूसरी स्क्रीन है, ये है। और ये सेटिंग का बटन, यहाँ से जाएंगे तो हमारा SJ Cam ऐसे है दिखता है। देखिए, एक्शन सपोर्ट कैमरा है, सब कुछ कैसे कैसे दिख रहा है इसके अंदर प्रॉपर तरीके से। यहीं से इसको टाइम लैप्स सारा हम यहीं से सेट कर सकते हैं, जो भी चीज़ हमें चलानी है। और वीडियो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं, एक कार्ड में डाला नहीं है, कार्ड दिखा रहा है। बाकी मैं इसको माउंट करते समय आपको दिखाऊंगा। हेलमेट है
तो मैं आपको इसमें अब एस जे कैम माउंट फिट करके दिखाऊंगा कि एस जे कैम कैसे होता है। मेरे पास अभी फिलहाल एम सी है, ठीक है, लेकिन मैं एस जे इससे टेप से ही माउंट कर दूंगा। ये 3M की टेप है, इसको यहां से ऐसे खोलना है और एक दूसरा वाला लगाना है, उसके बाद इसको सीधा मैं माउंट कर दूंगा। इसको ऐसी वापसी कर देता हूँ रैप, क्योंकि वाला माउंट मेरा उसमें लगेगा। ओके, हो जा हो जा हो जा, हो गया। ठीक है, तो ये मेरा हो गया अब। ओके, सो मैंने 3M की टेप से इसको चिपका दिया है और ये मैंने फिक्स कर दिया माउंट। अब मेरे को इसको पूरा खोलना है। ये मैंने इसको पूरा स्क्रू से सारे मैंने टाइट कर लिया, जितने भी थे इसके अंदर ये मैंने पूरा टाइट कर लिया। अब इसके बाद कैमरा मैंने निकाल के भी जरा चार्ज पे लगाया हुआ है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे होगा मेरा बंद। अब ये मैंने इसको ऐसे यूज कर दिया, दिस ये मेरा ऐसे जाएगा यू। फर्स्ट टाइम है, आता भी नहीं है मेरे को तो ऐसे। ये ऐसे यहां से अंदर, यहां से अंदर, और ये ऐसे, ये हो गया। सो ये माउंट हो गया। अब मेरा कैमरा ऐसे यूं आएगा और यूं सामने आ जाएगा कैमरा, ऐसे मेरा, इसे मैंने अभी टाइट नहीं करा बस। तो ऐसे मेरा कैमरा आ जाएगा यूं सामने, देख सकते हैं आप। कैमरा भी मैंने चार्ज पे लगा रखा है, बाकी आपको कल इसकी मैं टेस्ट करके दिखाऊंगा वीडियो पूरी की पूरी। सो मेरा चेक हो गया। अब मैंने एक जे माउंट आता है, इसमें मेरा जे माउंट नहीं निकला, एस जे कैम के अंदर जे माउंट नहीं दिया। अगर जे माउंट दिया होता तो मेरे को इसको ना यूज करने की जरूरत पड़ती ना इसको, मैं डायरेक्ट इसमें लगाता और मेरा यूज हो जाता। अब एस जे कैम, अब ये मेरा हैंडल माउंट है, मैं अपनी बाइक पे कल आपको माउंट करके दिखाऊंगा बाकी की कैसे माउंट हुआ है। और ये अब माउंट हो गया, अब बिल्कुल फर्स्ट क्लास, देख सकते हैं आप किस तरीके से माउंट हुआ ये मेरा कैमरा। यहाँ से बिल्कुल सेट, यहाँ से सेट सारा माउंट हो चुका है कैमरा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। हेलमेट के अंदर भी पूरा प्रॉपर तरीके से माउंट हो चुका है। कैमरा नहीं है, कैमरा मैंने भी चार्ज लगा रखा है, बाकी एक बार टेस्ट करके दिखाऊंगा आपको। माउंट हो गया है, यहाँ से इसको ऐसे ही यूं करना है और ये पूरा चार्ज उठाएगा। जब ऐसे कर लीजिए, जब जैसे मर्जी कर लीजिए, और ये यहाँ से बिल्कुल फिक्स है। मैंने अभी एमसील का यूज नहीं किया है, मैंने 3M टेप से ही काम चला लिया है। पहले फर्स्ट टाइम 3M टेप से यूज करूंगा, अगर हुआ कुछ आगे तो एमसील निकालूंगा। बाकी ये वाटरप्रूफ केस है, नहीं तो बाकी मैं बाद में अभी ये वाला यूज करूंगा। माइक मेरा भी आना है, माइक मेरा पेंडिंग में है अभी, ये यूज करूंगा तो यहाँ पे बेटर रहेगा। इसमें ये ज्यादा टच भी नहीं होगा, जैसे मर्जी आपको निकालनी है। बाकी कल आपको मैं अपनी बाइक पे टेस्ट करके दिखाता हूँ, एक न्यू वीडियो बना के दिखाऊंगा कि मेरी बाइक पे कैसे टेस्ट होता है ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करिए, एंड नीचे लाल कलर का बटन आ रहा होगा उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो के लिंक में आपको मेरा नीचे इंस्टा एंड फेसबुक का लिंक मिल जाएगा, तो प्लीज मेरे को उस पर फॉलो कर लीजिए। अब आने वाली आगे सारी मेरी वीडियो रोड ट्रिप पे जाएंगी। मैं हर महीने कहीं ना कहीं, हर महीने में समझ लीजिए मैं एक रोड ट्रिप पे जाने वाला हूँ। और प्लीज मेरे को फॉलो कर लीजिए इंस्टा आईडी पे। आपको कहीं भी अगर किसी भी कोई जरूरत हो, मेरे से मिलना हो, तो आप मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं कि कब मैं कहाँ पे क्या चीज कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक करके जाना। थैंक्स, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।